let's use this system. वहां तो हम पॉइंट कंप्यूट कर लेते हैं, आई हैव टू रीच फॉर एग्जांपल एच के, तो मुझे पता है कि मैं एच यूनिट्स जो है वो हॉरिजॉन्टली चलूँ और के यूनिट्स जो है वर्टिकली चलूँगा, एच के पर कौन चलूँगा, अब वो है क्या हमने चलूँ, और आपसे कहा जाए इसकी मीनिंग इन्वेंट करें, what meaning you will prefer to give it. Attempt to karo, galat ho, aur kya ho? अच्छा एक हिंट ये है कि आप उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर गौर कीजिए कि आप किस तरह एक पॉइंट को डिसाइड करते हैं कि अच्छा इस पॉइंट तक मुझे पहुंचना है ना, आई हैव टू मूव अदर एंड देन बट सो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब पहली बार आप किसी को ग्राफ करना सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं, क्या करते हैं कैसे, व्हाट इज योर फर्स्ट बचपन में जब कौन सी कैसे वैसे उन बॉक्सेस और एक्स वाई एक्सिस में कुछ रिलेशनशिप होता है कि होता है वैसे ही होता है पर पर पे रहता है उनको होता है हाँ लीनियर रिलेशनशिप लीनियर होता है बॉक्स नहीं है बॉक्स का बॉक्स जब तक आपके पास ढेर सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ठीक है ढेर सारी वर्टिकल लाइंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का एक्स वाई एक्सिस से क्या रिलेशन है इक्वल स्पेस इक्वल स्पेस होती है और एंटी एंगल होती है और इसे छोड़ दो ना उससे पहले समझ लो ये समझ आ जाएगा यदि मैं एक्स एक्सिस लूँ तो बाकी सारी लाइन तो क्या होंगी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी क्या होंगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी यानी आपके पास एक एक्सिस है और उसके ढेर सारी पैरेलल लाइंस जो है आपने ड्रॉ कर और फिर दूसरा एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस उसके पैरेलल लाइंस आपने ड्रॉ इसके साथ क्या वही अकल अब यहाँ इस्तेमाल कर ये है कि ये ठीक है भाई ये है अब मेरी वाई एक्सिस ये नहीं है बल्कि ये है तो अब जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा इज गोइंग टू लुक लाइक दैट और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ही है system, oblique coordinate system.
अब यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एक पॉइंट का एक मतलब है, वो क्या है कि जी ठीक है आप जो फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 1, तो इस लाइक आप 1 यूनिट इस तरह चलिए आप 1 यूनिट जो है आगे नहीं, ठीक है। और मैं ठीक हूँ, तो आई हैव दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें अब मैं इंटरप्रेट कर सकता हूँ तमाम पॉइंट्स को, और मुझे पॉइंट बता दें आप, मैं कह सकता हूँ ये पॉइंट क्या है जी 1 2 3, ठीक है, और कोई फर्क नहीं, कोई इंट्यूशन नहीं आता है। अगर हियर द पॉइंट व्हाट आई कॉल द डीप इनसाइड बाय जिसके इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई सिस्टम में ओब्लिक सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 1, उसके इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कोऑर्डिनेट्स रफली, तो मैं कहता हूँ अच्छा ये 1 यूनिट ये 2 यूनिट और ये 2 1, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1 1 और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 1 रफली फॉर एग्जांपल। नाउ व्हाई दिस आइडिया इज वेरी यूजफुल, जस्ट थिंक अबाउट आपके आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी के क्या कंक्लूजंस थे, क्या क्या फंडामेंटल कंक्लूजंस हैं भाई। एक बड़ा बुनियादी सा कंक्लूजन ये है कि जब व्हेन थिंग्स मूव मूव एट एनी वेलोसिटी, ठीक है, एंड स्पेशली व्हेन दे मूव अ बिट फास्टली, तो रेशियो जो है स्पीड ऑफ लाइट का उसके साथ मूव करती है, तो फिर उन मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम स्लो रन होगा, यानी मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, लेबोरेटरी में, और लेबोरेटरी में हम रेलवे स्टेशन पर था और प्लेटफॉर्म पर था, स्टेक देयर आई हैव अ वॉच विद मी, और दूसरा बंदा है वो गाड़ी में बैठा और वो बुलेट ट्रेन बुलेट की स्पीड से जो है ना वो ट्रेन चले, वो बुलेट ट्रेन है मूविंग वेरी फास्ट 500 किलोमीटर इतनी स्पीड से वो चल, तो क्या होगा वो जो गाड़ी में बैठा बंदा है, ठीक है, यानी मेरे लिए वो जो गाड़ी में बैठा बंदा है उसकी घड़ी स्लो चल रही है, मेरे पास टाइम ज्यादा गुजर रहा है और उसके पास, यानी एक ही चीज जो है फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम हैव टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली द प्रिसाइसली सेम थिंग, एक ही बंदे के, सो व्हेन आई एम कंपेयरिंग दिस टाइम विद माय टाइम फॉर एग्जांपल इमेजिन कर दे कि जी यू नो कोई ऐसा वीडियो कैमरा है जिसके थ्रू मैं उसकी वॉच देख सकता हूँ, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपनी वॉच के साथ, आई कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट
his watch is going to run slow as compared to my watch. अगर roughly things are moving at super fast, ठीक है, अगर मेरे लिए एक clock दो ticks, दो बार tick कर रहा है, उसके लिए एक बार tick कर रहा है. So it's like for moving objects, ठीक है, moving objects के लिए time slow run करता है, time slow run करता है और space contract होता है. Length contraction, distances contract होते हैं और time slow, ठीक है. तो मेरा नुक्ता ये है that a same instant have two descriptions actually, यानी एक के लिए दो second गुजरे और एक के लिए एक second गुजरा. तो आ, you know, didn't we have something similar here? That the अगर ये for example rest का observing system है, ठीक है, ये rest frame of reference है. तो इस frame of reference में अगर इस point को मैं देखूं तो उसके coordinates कितने हो गए. For example x जो है वो time axis को represent कर रहा है. तो इस frame of reference में दो seconds गुजर चुके, जबकि इस moving frame of reference में ठीक है. So roughly this was, you know, the key insight actually. So he said ये कि coordinate system और orthogonal ही क्यों ऐसा क्यों है. इसमें ना सिर्फ ऐसा सोचा बल्कि ये भी बताया कि ये चीज जो है किस तरह for deep ideas to express करना. The same point, the same particle, you know, has two kind of an observation. Observation with respect to what you call observer at rest, or dusra, motion. ठीक है. So oblique coordinate system जो है, ये exist करते हैं, exist करते हैं, अच्छा सर exist करते हैं, बल्कि काम भी आते हैं. ऐसा नहीं है कि लाइक ओके दिस इज समथिंग यू डू फॉर नथिंग. समटाइम्स पीपल से यू क्रिएट मैथमेटिक्स दैट नो वन यूज इट, नो वन यूज इट, द टाइम विल कम एंड पीपल आर गोइंग टू यूज इट. आइंस्टाइन ने देखा ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का जबरदस्त इस्तेमाल किया. एनीवे ठीक है जी, इज इट मेकिंग सेंस? गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियो Galileo's transformations is basically translation. So it's like आपके पास एक coordinate system है x, y, z और t, ठीक है, ये x और t two dimensional system है, ये time axis एक space है, ठीक है, और for example ये rest observer के तौर के लिए है टाइम एक्सिस और रेस्ट एक्सिस. एंड देन इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके लिए भी टाइम एक्सिस और स्पेस एक्सिस. गैलीलियो, फॉर गैलीलियो, गैलीलियो काइंड ऑफ अज्यूम्ड व्हिच एवरीवन इज गोइंग टू अज्यूम the time is not going to change, you know, the time axis is going to stay same in both, you know, whether you are moving or at the rest, time is not going to change. It's the only space that is changing actually. As if you move kar rahe hain, hamare times pe farak nahi aata, sirf the space mein farak hai, location tabdeel ho gayi, main yahan hu kuch der baad wahan hu, if I am moving. Kind of set के लिए चार आपका ये अगर rest observer के लिए है time axis, time और distance, और ये जो है for example moving observer के लिए है time और distance axis है,
you know, with respect to Galileo, there is no difference between T and T prime. Okay. There is a difference between X prime and X. X prime है ये क्या है कि आप कितनी velocity से कितने time के लिए चले हैं और plus x so अगर आप ये देखें ये क्या चीज़ this is just you know mathematically this is nothing सिर्फ बाद units add हो गए हैं coordinate system बिल्कुल ऐसा ही जैसे यहाँ पर x और k हो गया था ये just horizontally translated vertically That was what you call the Galilean transformation. But, you know, Einstein ki jo original insight thi, wo yehi thi, ki bhai this rest time observer, you know, the moving time and rest times are not the same thing. They are different. When you are moving, you are clockwise. So this was insight. Kabhi uske baad phir what do you have? In scheme, what you call the Lorentz transformation. Okay? You have what you call the Lorentz transformation. Okay. Are there Election. इलेक्शन आपको है तो इधर एक अंडर पसंद है आईजे कर जाता हूँ ठीक है इधर मेकिंग फेंस इस पार्टनर सिस्टम हैज सच में पोजीशन चलें और तो आप कुछ नहीं पूछ रहे तो ये एक ऐसी चीज हो सकती है जो थोड़ी सी
यहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ और उसे हैप्पी बर्थडे दूँ So, what I have to do? I have to move. हम move जो कर सकते हैं वो at most किस स्पीड से कर सकते हैं? फिर फिजिक्स ये बताती है भाई nothing has more speed than speed. तो ये बहुत controversial issue है. इस time में assume कर दी speed of light constant है कोई भी जो है उस speed को ही पहुंच सकते और अगर कोई पहुंच जाएगा तो टाइम फ्रीज हो जाएगा उसके लिए घड़ी रुक जाएगी मास भी जो है उसके साथ अजीब सी सूरत हाल हो जाए ठीक है मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस ऐसा डिस्टेंस है दोस्त किसी ऐसे प्लेनेट पर बैठा है आप एक मखसूस टाइम में वहां तक पहुंचना चाहते हैं ठीक है जी मेरे पास दो दिन है ठीक है दो दिन में जी उस प्लेनेट तक पहुंचना चाहता हूं जहां मेरा दोस्त है जिस दोस्त ने मुझे बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया ठीक है अब वो उस प्लेनेट के लिए जो है वो तीन पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो काइंड ऑफ मून की तरह है ज़्यादा दूर नहीं है ठीक है अगर हम जो है वो थोड़ी सी स्पीड से चलें ठीक है तो रॉकेट शॉकेट वहाँ बैठ कर पहुँच सकते रीच अबल टास्क है मूव कितना करना पड़ेगा अज़्यूम करें कि जी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि जी हम या तो स्पीड ऑफ लाइट से चाहें तो स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड पर मूव करें और चाहें तो एटमोस्ट हम स्पीड ऑफ लाइट पर भी पहुंच सकते तो अगर आपका डेस्टिनेशन ऐसा है जो स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड को इस्तेमाल करते हुए हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं ठीक है So we call them, what do you call time-like event होता है when you can reach to the basically other destination within less than speed of light or एक event light-like event है light so it's like on the speed of light और एक वो है जो impractical है so you can't even if you move with the speed of light you can't reach there actually. अब ये तीन किस्म के इवेंट्स हैं जो एग्जिस्ट कर सकते करते हैं ठीक है सो व्हेन दे मॉडल इट जब जो है आइंस्टाइन ने मॉडल किया इस चीज को ही मॉडल इट थ्रू अ कोन मॉडल इट थ्रू कोन एक कोन को इस्तेमाल करते हुए ही काइंड ऑफ डिस्क्राइब दिस ठीक है कोन नहीं समझे स्पेशल थ्योरी जो है वो नहीं समझे स्पेशल थ्योरी नहीं समझेगा कोई कहे मुझे कौन मुझे स्पेशल थ्योरी की सारी समझ मगर कौन की समझ नहीं है ही डजंट नो स्पेशल थ्योरी ठीक है लाइक कितना भी अच्छा फिजिक्स वाला हो नो मैटर टू ही केस सिर्फ कहानियां बताऊंगी कोई पैराडॉक्स नहीं मगर द रियल लेसंस ऑफ द थ्योरी It is unless you understand what you call the cones. Cones are important objects. Cones are important objects. But there are many such interesting objects. Which we observe in a day-to-day manner. Observe karte hain. Like aapke paas pass. Circle hai, ellipse hai. हाइपरबोला को बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होता बट ओके हाइपरबोला है स्पीडिंग एज वेल पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हर जगह है सो ये तमाम चीज़ें जो हैं देयर वाज अ गाय उसने वो एपोलोनियस पर कहा उसने कहा कि ये सब कोन के अंदर बैठी है तमाम फिगर ऑल फिगर्स आर सिटिंग विद यू नो विद इन अ कोन एक्चुअली ठीक है और
इंसान को पिक्चर शिक्चर भी आपने देखी होगी, भाई आप एक गाजर दे रहे हैं अगर जस्ट थिंक अबाउट इट, यू टेक समथिंग फोन एट यू, ठीक है, फोन ले लें, गाजर ले लें, एंड टेक यू नो व्हाट यू कॉल अ नाइफ एट व्हिच इज काइंड ऑफ अ प्लेन, प्लेन है ना, नाइफ भी प्लेन है, ठीक है, तो इफ यू, तो मेरे पास अगर एक फोन हो और उस प्लेन को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यू नो उसे ऑर्थोगोनली रफली ऑर्थोगोनली कट करता हूँ उस गाजर को, तो क्या होगा, गाजर पर शेप बनेगी, वो कौन सी बनेगी, इंडिविजुअलाइज है, गाजर उठाएं, ठीक है, हाथ में यू ली और स्ट्रेट काटें, क्या बनेगी शेप, बनेगा तो सर्किल, मतलब ये फोन के अंदर सर्किल छुपा बैठे ऐसे, बट इंस्टीड ऑफ टेकिंग इट यू नो हॉरिजॉन्टली यू नो गिव इट सम टिल्ट दैट, give it some angle and then cut it. What are you going to get? Parabola. Parabola मिलेगी, ellipse मिलेगी, ellipse मिलेगी. सोचो ना, मैं दिमाग में सोच. आपके पास गाजर है, ठीक है, अब छुरी, अब छुरी को थोड़ा सा tilt देकर काटे आप. Parabola चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? You take that, you know, what you have, your knife, and you know, cut it वर्टिकल, वर्टिकल ये फ्लैप को काटे, गाजर है ऊपर से काटेंगे तो आपके पास शेप बनेगी, या उसके टॉप को टेप देकर काटेंगे तो मैंने कहता, ठीक है, आपके पास कोन है, ठीक है, गाजर है और उसके टॉप को, टॉप को थोड़ा सा टेप देकर काटे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है, ना सिर्फ इसका ये मतलब है कि आप कोन को काट कर, ठीक है, एलिप्स और पैराबोला और हाइपरबोला बना सकते हैं, हाइपरबोला के लिए आपको दो गाजरें चाहिए, यू नीड बेसिकली होल यू नो कोन विद टू नैप्स, दो पीसेस होने चाहिए, ऊपर वो देखा है कभी, वो पुराने दौर में इस्तेमाल होता था, कभी रेत डली होती थी एक पार्ट में और फिर वो नीचे कर दिया इसका इसका, तो उससे टाइम को पता चल रहा है, सो दैट दीज आर टू नैप्स है, सो आप दो कॉन्स ले लें, गाजरें ले लें, ठीक है, उन्हें आपको छपाने में मिलाए हो, ठीक है, कट इट वर्टिकली, जैसे कट इन हाफ अ बॉलर, तो दोनों को काट लेगा तो उसमें क्या फायदा होगा, सो रफली इससे क्या पता चलता है कि ये चारों किस्म के हो सकता है और भी हो सकता है, दे बेसिकली आर पर्टिकुलर केसेस ऑफ और मैथमेटिकली भी हम शो कर सकते हैं कि अगर आप कोन की इक्वेशन लें एंड यू जस्ट प्ले अराउंड विद दैट यू कैन गेट एन इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है, तो जब आप काट कट कर रहे हैं एक कोन को हॉरिजॉन्टली या टिल्ट देकर या वर्टिकली, ठीक है, तो यू आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली आपके पास जो इक्वेशन ऑफ कोन है, ठीक है, उसमें कांस्टेंट स्विच कर रहे हैं, इधर भी जो है ये पिक्चर बनी हुई है, फादर्सन बुक है, ठीक है, तो आपके पास ये कौन है, ठीक है, कौन की जगह आप गाजर उठा सकते हैं, गाजर लुक्स लाइक अ कोन, समथिंग व्हिच लुक्स लाइक अ कोन, आइसक्रीम उठा लें, ठीक है, एंड यू कट दिस वे एंड व्हाट यू कॉल सर्किल एंड गिव इट अ टिल्ट एलिप्स, कट द टॉप ऑफ इट विद अ टिल्ट एंगल एंड द एलिप्स, ठीक है, दो नैप्स ऑन कट इट यू नो वर्टिकली एंड दैट व्हाट यू कॉल, ठीक है, Apollonius Verga was this guy who came up with this notion ke yaar ye sari cheeze to kon ke andar baith gayi, theek hai, and why these things are important for themselves, theek hai, jaise you know why circles are important, I don't need to tell you that why circles are important, circles are everywhere, theek hai, circles are kaun si cheez hai jo circle nahi hai, kaun si cheez hai jo circle ke bina exist kar sakti hai, theek
गाड़ियाँ कैसे चलाऊँ? Just think about it. Some people say, what is the biggest invention that human have done so far? सबसे बड़ी invention क्या है जो इस वक्त तक इंसानों ने की है, which kind of changed every single thing? क्या है आपकी नजर में क्या होना चाहिए?